नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधि है और मैं IVF कंसल्टेंट हूँ नोवा IVF पटना में। हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में, वो है कि एक IVF सेंटर या फर्टिलिटी सेंटर में किन पांच चीज़ों का आपको पहले क्रॉस चेक कर लेना चाहिए इलाज से पहले। सबसे पहले, आपके IVF ट्रीटमेंट या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी होता है। आपके सेंटर का माहौल कैसा है यह बहुत हद तक आपका डिसाइड करेगा आपके ट्रीटमेंट का रिजल्ट कैसा है। इसलिए सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि आपके सेंटर का माहौल या स्टाफ का बिहेवियर है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, और वह कितने हद तक आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए एनवायरनमेंट एक सेंटर का पता करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको चेक करना चाहिए कि आपके सेंटर पे एक इनबिल्ट लैब है कि नहीं, एम्ब्रियोलॉजी लैब। जो सेंटर के पास इनबिल्ट एम्ब्रियोलॉजी लैब होता है वह एक फुली फंक्शनल रनिंग सेंटर होता है, और इसमें फुली फंक्शनल रनिंग सेंटर होने के कारण इसके रिजल्ट्स काफ़ी बेटर रहते हैं। तीसरा, आपको चेक करना चाहिए कि आपके सेंटर में ICSI की फैसिलिटी है कि नहीं। ICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके माध्यम से हम खराब फैक्टर के स्पर्म्स को, उनमें से जो अच्छे स्पर्म्स हैं उनको सिलेक्ट करके, उनको अंडों के अंदर इंजेक्ट करके फर्टिलाइजेशन कराते हैं, या एक मशीन के द्वारा किया जाता है। इसलिए यदि यह मशीन आपके सेंटर में उपलब्ध है तो यह आपके IVF के रिजल्ट्स को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। चौथा बहुत ही ज़रूरी है, वो है डबल विटनेसिंग। डबल विटनेसिंग का मतलब हुआ डबल लेवल पे क्रॉस चेक करना कि आपके स्पर्म्स आप ही के स्पर्म्स हैं या आपके एग्स आप ही के एग्स हैं। या डबल विटनेसिंग जिस सेंटर पर होता है उस सेंटर पर गैमीट मिक्सिंग का प्रॉब्लम नहीं होता और आपके स्पर्म्स या आपके अंडे आप ही के रहते हैं। पांचवा जो आपको चेक करना चाहिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है उस IVF सेंटर का सक्सेस रेशियो। यह हालांकि डिपेंड करता है बहुत हद तक कि आपके केस कैसा है, पेशेंट कैसा है, बट फिर भी एक डिसेंट IVF सेंटर का सक्सेस रिजल्ट 40-50% के बीच में रहेगा। यदि आपका सेंटर इस मापदंड पर आता है तब आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वो एक अच्छा IVF सेंटर है। धन्यवाद।